हाँ, एक और बढ़िया कैलकुलेशन ट्रिक, अक्सर हम लोगों को नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ जाता है। मैं नंबर्स के स्क्वायर कैलकुलेट करना 3-4 बार में कवर करूंगा, अलग अलग प्रकार के नंबर। अभी हम कैलकुलेशन ट्रिक 3 में देखेंगे कि अगर 50 के आसपास कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, 50 का खुद का स्क्वायर तो निकालना बहुत आसान है, 2500, 5 का स्क्वायर करके आगे 2 जीरो लगा दो। खैर, अब मान लीजिए 50 के आसपास कोई नंबर है, हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। न सिर्फ इसके अंदर हम ट्रिक देखेंगे बल्कि ट्रिक के पीछे की मैथ्स को भी समझेंगे। सुनो ध्यान से, मान लो 50 के आसपास कोई भी नंबर है, आप उसका स्क्वायर लिखना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। मान लो जैसे आपको 47 का स्क्वायर लिखना है। किसका स्क्वायर लिखना है? 47 का। अब देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। ये तो याद ही होगा। ये दोनों जीरो बहुत ज्यादा काम के नहीं है, थोड़े थोड़े काम के। खैर, 47 50 से कितना छोटा? 47 50 से 3 छोटा। तो बस इस 25 में से भी 3 घटा दो, जितना छोटा है उतना घटा दो। 25 में 3 घटाओ कितना आ गया? 22। और कितना छोटा था? 3 छोटा था। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहां लिख दो 09, मिल गया स्क्वायर। जितना छोटा है उतना घटाओ और जितना छोटा है उसके स्क्वायर का आगे लिख दो। मान लो जैसे आपको 45 का स्क्वायर चाहिए। अब सोचो 45 50 से कितना छोटा है? 5 छोटा है। तो 25 में 5 घटा दो 20, और कितना छोटा था? 5 छोटा। तो 5 का स्क्वायर 25। मान लो आपको 49 का स्क्वायर लिखना है, 50 से कितना छोटा है? 1। तो 25 में से क्या घटाएंगे? 1, और 1 छोटा था तो 1 का स्क्वायर 0। अच्छा, क्या समझ में आया? जो छोटा होगा उसमें घटाएंगे। अच्छा, मान लीजिए 50 के ऊपर कोई नंबर ले लो 52, 52 का स्क्वायर। अब सोचो ये 50 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो इसमें 2 जोड़ दो। अब 2 का स्क्वायर 4। लास्ट की दो डिजिट लिखने का तरीका सेट है, सुनो ध्यान से। लास्ट की दो डिजिट कैसे लिखेंगे? जो 50 से डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर लिख दो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। और शुरू की दो डिजिट कैसे लिखेंगे? अगर वो नंबर 50 से जितनी कम है, 25 को उतना और कम कर देंगे, और वो नंबर अगर 50 से जितनी बड़ी है, 25 को उतने से और बड़ा कर देंगे। मान लीजिए हमको लिखना हो 58 का स्क्वायर, तो 50 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा। तो 25 में क्या जोड़ेंगे? 8। तो 25 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और कितना बड़ा था? 8 बड़ा था। तो 8 का स्क्वायर 64। क्या बेसिक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बहुत सिंपल है, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं भाई देवे। 50 का स्क्वायर रख लो 2500, 25 ही काम का है, बाकी कुछ नहीं काम का, ठीक है। अब यहां पर 47 का स्क्वायर, ये 50 से जितना छोटा हो 25 को उतना और छोटा कर दो, और ये चीज 50 से जितनी बड़ी हो 25 को उतना और बड़ा कर दो, और जो 50 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस है उसके स्क्वायर से लास्ट की दो डिजिटे बना दो, उसके स्क्वायर से लास्ट की दो डिजिटे बना दो। ये तो हो गई ट्रिक। क्या ट्रिक समझ में आई? मुझे उम्मीद है ट्रिक समझ में आ गई। ट्रिक समझ में आने के बाद आइए इसकी मैथमेटिक्स को भी हम लोग देखने और समझने की कोशिश। सुनो, यहां पर क्या अपन नंबर का डिफरेंस कहां से ले रहे हैं? 50 से ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्स को -3 रख दूंगा तो 47 बन जाएगा, एक्स को -5 रख दूंगा तो 45 बन जाएगा, एक्स को -1 रख दूंगा 49 बन जाएगा, एक्स को अगर मैं 2 रख दूंगा 52 बन जाएगा, एक्स को 8 रख दूंगा तो 58 बन जाएगा। तो बेसिकली 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ढूंढ रहे हैं। मैथ्स को भी समझे, एक्चुअली मैथ समझने से उस ट्रिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। चलो कोशिश करते हैं। 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा 25, एंड 50 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू एक्स 100x। अब जरा 100x को पकड़ना, जब भी किसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के आगे 2 जीरो। बस ट्रिक होने वाली है। यहां पर देखिए 2500
और एक्स के आगे दो जीरो, इनको जोड़ा जाता है और यहां एक्स स्क्वायर है इसको जोड़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, शुरू की जो दो डिजिटें होंगी वो 25 प्लस एक्स के बराबर होगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो 25 में जुड़ जाए और एक्स नेगेटिव है तो 25 से घट जाए। यहां पर देखो आप, यहां एक्स की वैल्यू -3 थी तो 25 -3 करके, यहां एक्स की वैल्यू +2 थी तो 25 +2 करके दो मिलेंगे। और एक्स स्क्वायर लास्ट गिट भाई 0 0 में अगर एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही निकल के आएगा। तो लास्ट की दो डिजिटे की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स 50 से उस संख्या का अंतर, 50 से उस नंबर का डिफरेंस, इसलिए ट्रिक काम करती है। लेकिन देखो कैलकुलेशन पार्ट में अगर हम कहीं पर भी टाइम बचा लेते हैं तो एग्जामिनेशन में हम अपोनेंट से बहुत आगे हो जाते हैं। क्या समझ में आया? चलिए,